हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फूड रेसिपीज। आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो लवर्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और उन्हें पील कर दिया। आलू पील करने के बाद हम इन्हें रफली काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अब हम इन आलूओं को बॉईल कर लेंगे, लेकिन बॉईल करते टाइम हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आलू हमें हल्के से, बिल्कुल हल्के से कच्चे रखने हैं। तो उसके लिए बीच में आप इसे एक दो बार चेक कर सकते हैं कि आलू थोड़े से कच्चे हों तो आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। अब बॉईल करते टाइम हमें इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। आलू को बॉईल करते टाइम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आलू हल्का सा कच्चा हो। तो मैंने जब इसे पहले चेक किया तो वो उस वक्त ज़्यादा कच्चा था, तो मैंने और थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लिया और इसके बाद हमने इसे छान लिया। और अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से मुझे आलू चाहिए जो बिल्कुल नरम ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो, हल्के से कच्चे हो। यहाँ पर आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरह से इसे मैश कर सकते हैं आलू को फॉर्क के ज़रिए, या फिर आप इसे इस तरह से चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। ये आलू मैंने चॉप कर लिए हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसमें जीरा पाउडर, नमक, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और आप लोगों को स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो और थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छे से एक डो की तरह इसे रेडी कर लेंगे। फिर दोनों हाथों पर ऑयल लगा कर और इस तरह से छोटी छोटी शेप्स बना लेंगे। ये आप शेप्स भी अपनी पसंद के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपको राउंड में कटलेट की शेप देनी है तो वो भी आप बना सकते हैं। अब एक पैन में ऑयल ले लेंगे और वन बाय वन करके इन पोटैटो बाइट्स को हम डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। आप ये इस तरह से पोटैटो बाइट्स बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और ये अराउंड 2 से 3 महीने तक आराम से यूज हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल, ईजी और झटपट बनने वाले आलू बाइट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें इसे निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।